हेतराम तनवर 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के बावजूद भी अपने कंठ की खनक और मुर्की को अब भी जवान बनाए हुए हैं। शिमला से 16 किलोमीटर दूर माहुनाग मंदिर में निवास कर रहे इस लोकगीत गायक ने हिमाचल की शान को बढ़ाया है। पेश है इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। देखने की केड़ी सोनी लग दी ओ। कुनिहार का मैं रहने वाला हूँ। जिला मेरा सोलन है। तहसील मेरी अर्की है। पहले ये राजधानी होती थी। राजा साहब होते थे हमारे, हरदेव सिंह जी। तो उसके बाद फिर उन्हीं के टाइम में वहाँ बड़े बड़े अच्छे अच्छे गवैये बुलाते थे वो। उनको बड़ा शौक़ था गाने बजाने का। तो मैं छोटा सा था तो मैं भी अपने माँ बाप के साथ दरबार में जाया करता था। दरबार लगता था तो वहाँ हम सुनते थे। कोई क्लासिकल गा रहा, कोई गीत गा रहा, कोई भजन गा रहा। फिर मुझे शौक़ हुआ। 9 साल की उम्र में मैंने फील्ड में काम शुरू कर दिया। लोग बुलाते थे वहाँ जाता था, अपने फील्ड में जाता रहा। कहीं रामलीला है, करियाड़ा होता है हमारे यहाँ हिमाचल में। फिर मुझे लोक संगीत का बड़ा शौक़ हुआ। तो अभी तक मैं लोक संगीत ही गा रहा हूँ। और इसी की मैं उपमा करता हूँ। जब से ये रेडियो स्टेशन यहाँ हिमाचल में खुला उस वक्त से मैं प्रोग्राम दे रहा हूँ और अब तक प्रोग्राम देता हूँ। और जब से दूरदर्शन खुला उस वक्त से मैं दूरदर्शन में भी प्रोग्राम देता हूँ। अब तक मेरे को प्रोग्राम मिलते हैं जी और मैं बड़े आनंद में रहता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मुझे गॉड गिफ्ट मिली है, मेरे नाग देवता ने या मेरे इष्ट ने या मेरे भगवान ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो इसमें मैं अपनी बड़ाई नहीं समझता। नगलू गया, वहाँ भी मुझे सम्मानित किया। कुल्लू में भी मुझे इनाम मिला जी। अर्की हमारी तहसील है, वहाँ भी नड्डा साहब ने मुझे सम्मानित किया। फिर यहाँ होलीडे होम में शिमला में वीरभद्र जी ने मुझे सम्मानित किया। हमारे यहाँ एकेडमी है। जितना भी मैंने प्रोग्राम किया, जितने भी मैंने कहीं गाने गाए, जहाँ जहाँ भी मेरे को सम्मानित किया, वो सारी चीज़ें उन्होंने इकट्ठी करके वो दिल्ली भेज दी। तो दिल्ली भेजी एकेडमी वालों ने। तो वहाँ से मुझे लेटर आया। फिर लेटर के बाद सम्मानित बाद में हुआ। पहले उन्होंने 4 गाने भी सुने, वो भी मैंने उनको सुनाए। उन्होंने कहा बहुत ठीक है, बहुत अच्छे हैं। फिर बाद में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने 2006 में मुझे सम्मानित किया और बहुत कुछ मिला जी मुझे वहाँ से। ऐसा है कि मुझे ये फ़ख्र नहीं है कि मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिला। वो मुझे नहीं मिला, मैंने अपने हिमाचल को समझा कि जो अवार्ड मिला है ये हिमाचल के लिए मिला है। अब हमारा जो लोक संगीत है जी, इसको अब आगे की जो पीढ़ी है वो भी गा रहे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, सब ठीक है। लेकिन मेरे को इन लोगों के लिए ये कहना है मेरा कि अपने कल्चर का सत्यानाश ना करो, इसको ख़त्म ना करो, इसको कायम रखो। अब मैंने भी तो आज दिन तक इसको कायम रखा, मेरे अकेले का तो ये काम नहीं है। सब आदमी इसमें सहायता करें, सब लोग अपने कल्चर को ठीक समझें, तो तभी हमारा हिमाचल का नाम होगा। और ये जो डिस्को डास्को में गाते हैं, ये तो हमारा कल्चर है ही नहीं। हमारे हिमाचल में तो ये साज बजता नहीं, ये तो फॉरेन कंट्री का साज है। क्योंकि लोक संगीत में हमारे बड़ी भारी ताकत है। पहाड़ एक ऐसी चीज़ है, पहाड़ एक ऐसा स्वर है कि इस स्वर से बहुत कुछ बनता है। सपा जेड़े बल खांदी मोड़रिया मोटरा, सपा जेड़े बल खांदी सपा जेड़े बल खांदी मोड़रिए मोटरा, दिलड़ू रमोम बनावो हो, दिलड़ू रमोम बनावो हो, मेरे हो हिमाचलारी ऊंची नीची पहाड़िया, देखने के केड़ी सोनी लगदी ओ, देखने के केड़ी सोनी लगदी हो।